गाइस वेलकम टू माय चैनल केपी सिन्हा व्लॉग्स। और आज का जो वीडियो है बहुत अलग होने वाला है। बहुत अलग का मतलब बिल्कुल अलग टॉपिक से रिलेटेड है। तो मैं आपको बता देती हूँ क्यों, क्योंकि बहुत टाइम से व्लॉग चल रहे थे, तो मैंने सोचा यार मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देनी थी, मैंने सोचा यार ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी गर्ल्स स्पेशली जिनके लॉन्ग हेयर्स होते हैं, शॉर्ट हेयर्स भी होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अपने फ्रिज बालों से। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे बहुत सारी लड़कियों का टेक्सचर जो है बालों का वो बहुत अलग होता है। किसी के बाल स्ट्रेट होते हैं, किसी के बाल कर्ल होते हैं, पर उनके एक टेक्सचर होते हैं। मेरे जैसे बालों में फ्रिज हेयर्स बहुत ज़्यादा जल्दी निकल जाते हैं। मतलब मैं जस्ट कोम भी करती हूँ और एक चोटी भी कर लेती हूँ तब भी मेरे बाल जो है वो फ्रिज हो जाते हैं। मतलब एकदम ऐसे लगता है कि मैंने बाल झाड़े ही नहीं है, वो भी दो दिन तक। मतलब अगर मैं 15 मिनट पहले भी से करूँगी तो भी मेरे पापा बोलते हैं यार तूने बाल ही झाड़े क्या, ऐसे। और शादियों में तो हमेशा ही मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे बाल हमेशा ही वो बेबी हेयर्स होते हैं, वो टुंगी बाहर ऐसे आ जाते हैं। तो उसको वो क्यों होते हैं पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ, मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो हमारा पहले का जो हेयर केयर रूटीन है वो सही है, बट ऐसा नहीं होता। मौसम के हिसाब से एंड आपके हार्मोनल चेंजेस के हिसाब से भी आपको रूटीन चेंज करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे कि हमको लगता है कि पहले हम लोग बालों को ऐसे वॉश करते थे, जैसे पहले ऑयल किया, फिर शैम्पू किया, फिर कंडीशनर किया। कुछ लोग कंडीशनर भी नहीं करते, वो उसे ऑप्शन समझते हैं। जैसे कि मैं कंडीशनर नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे को बाल धोने का इतना टाइम नहीं मिलता। बट अब मैंने जो है कंडीशनर स्टार्ट किया है एंड वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो उन्हें लगता है कि ये साइकिल जो है ना वो ठीक है, मतलब उनके बाल पहले इससे अच्छे थे तो अभी भी इनसे ही अच्छे रहेंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वेदर जो है वो काफ़ी चेंज होता रहता है, कभी ह्यूमिड वेदर होता है, कभी ठंडा होता है, कभी बरसात मानसून आ जाते हैं, जिसमें मानसून में तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, हेयर फॉल बहुत होता है। तो उसके हिसाब से भी आपको अपना हेयर रूटीन जो है वो चेंज करना चाहिए। कई बार एक ऑयल को बचपन से यूज़ करते हुए आते हैं तो हमेशा ऐसा लगता है कि यार ये ऑयल सही है, इसे ही यूज़ करते हैं। नहीं, कभी कभी आपको अपने हॉर्मोन्स के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को भी चेंज करना चाहिए। जैसे कि आपको हेयर ऑयल बदलना चाहिए, वो आपको आपके हिसाब से ही पता चलेगा। मतलब वो कोई नहीं बताएगा कि आपको ये हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए, वो आपको दो तीन बार ना इसे बदल के दिखा करो। जैसे कि कभी शैम्पू चेंज करो, अगर आपको लगता है कि मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं, हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, तो आप अपना शैम्पू एंड तेल पहले उन्हें आप चेंज करो और उसके बाद आप पूरा फोकस जो है उसमें देखो कि मैंने ये शैम्पू यूज़ किया मेरे को इससे क्या क्या बाल ज़्यादा टूट रहे हैं या बाल ज़्यादा नहीं टूट रहे हैं। क्योंकि हल्के फुल्के बाल सबके टूटते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोम करो और बाल टूटे ही नहीं है, अब फिर तो आप अलग ही वर्ल्ड में हो। बाल हल्के फुल्के टूटते हैं, बट बहुत ज़्यादा टूटना बहुत ही टेंशन वाली बात होती है हर एक लड़की के लिए। आजकल तो बॉयज़ को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है बाल झड़ने की वजह से। तो बाल जो है ना वो एक बॉडी की सुंदरता को बना के रखते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हमें अपना क्या करना चाहिए, अब हमें ये बात करनी है क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो बाल जब वॉश करते हैं तो ढंग से बालों को सूखने ही नहीं देते हैं। मतलब आपने बाल वॉश की और उसको जूड़ा बना लिया या फिर बालों में क्लेक्चर लगा लिया, बालों को नीचे से गुच्छ कर लिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपके बालों को अच्छे से सूखने देना चाहिए। अगर सनी डे है तो फिर तो ऑब्वियसली बात है आप वो अपने आप ही सूख जाता है। कभी कभी बालों को ना यहाँ से, मतलब आपके जब यहाँ से चोटियाँ बनाते हो ना तब वो वहाँ से गीले रहते हैं, शाम तक भी आप नोटिस करना। अगर आपने नहीं भी चोटी बनाई तब भी वो गीले रहते हैं, तो आपको अपने बालों को हमेशा फिंगर्स लगा करके उसे सुखाने के लिए करना चाहिए। दूसरा ये कि कुछ लोग क्या होते हैं, बाल वॉश गीले हुए उसको टाल में काफ़ी देर तक ऐसे मोड़ करके रख लिया और फिर निकाला, तो उससे भी बाल जो हैं वो ड्राई होते हैं पर वो फ्रिज भी हो जाते हैं ऐसे मुड़े रहने की वजह से। छोटे छोटे बेबी हेयर्स जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, मतलब वो फ्रिज हो जाते हैं। तीसरा ये होता है कि कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, टाल में अपने बालों को इतना ज़्यादा रब कर देते हैं, इतना ज़्यादा रब कर देते हैं कि उसकी वजह से भी फ्रिज हेयर्स होते हैं। मतलब ये ट्रेडिशनल तरीका है हमारे बालों को टाल से सुखाने का, पर थोड़ा चेंज करना चाहिए। बिकॉज पहले के टाइम में हम लोग उस टाइप का खाना खाते थे, जो कुछ भी खाएं वो सेहत के लिए अच्छा होता था। आजकल ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो मिलावट आ गई हैं, तो आपको अपना जो वो है तरीका भी बदलते रहना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, अब मेरे जब फ्रिजी बाल होते हैं तो क्योंकि मैं ज़्यादा, कुछ लोग क्या करते हैं अपने फ्रिजी बालों को हटाने के लिए स्ट्रेट कर लेते हैं या मशीन यूज़ करते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वैसे ही मेरे बाल जो है उसकी हालत जो है पहले से बहुत ख़राब हो गई थी, बीच में रिपेयर हो रहे हैं, तो मैं उनके साथ अभी और नहीं खेल सकती। और मशीन कभी कभी आपने लगा ली तो ठीक है, वरना कभी कभी
जैसे आप शादी में हैं, किसी फंक्शन में है तो चल जाता है, इतना इतना कोई लोड नहीं है. बट हर दिन मशीन लगाने से आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, उनकी केयर तो आप छोड़ ही दो फिर. तो क्या करना चाहिए, सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका, क्योंकि कुछ कुछ लोग जो है वो महंगे प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते. जो लोग कर सकते हैं वो तो करेंगे ही, ऑब्वियस ही बात है, बट जो लोग नहीं कर सकते उनके लिए क्या. तो उनके लिए मैंने एक तरीका सोचा नहीं है, मतलब ये एक ऑलरेडी है पैनल में, तो मैंने या फिर शेयर करना चाहती थी मैं. तो मैं जनरली, मेरे जब बाल फ्रिजी होते हैं तो मैं क्या करती हूँ, अपने बालों को जैसे कि जैसे छोटे छोटे बालों को ना, ये जब ऐसे उठ जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो मैं सबसे पहले अपने बालों को समझ जाती हूँ कि इन्हें अब है ट्रीट की ज़रूरत है, इन्हें इन्हें चाहिए अभी. तो पहले तो आपको कॉम करने का तरीका सही से आना चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं. ये ऐसे कर करके आप नीचे से अपने बालों को कॉम करो, ठीक है. थोड़ा लोग ना अडॉप्ट करने में टाइम लगा देते हैं, मतलब कि अडेप्टेशन में ना उन्हें थोड़ा टाइम लगता है, कि हम लोग पहले हमारा ऊपर से नीचे तक था, फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता है यार. बालों को अच्छे से कॉम कर लिया है, कॉम मैं बता दूँ, जिन जिस कॉम के जो दांत है ना, इन्हें दांत कहते हैं हमारे यहाँ, वो ठीक है उन्हें यूज़ किया करो यार. जिन कॉम के दांत ऐसे टूटे फूटे हों, जैसे कि एक ये मैंने ये वीडियो के लिए बचा के रखे थे कि ये, या फिर ऐसे, उन्हें यूज़ मत किया करो. पार्ट कर लिए बालों को, पार्टीशन कर लिया, हमेशा कोम पार्टीशन में ही झाड़ना चाहिए. ये एलोवेरा जेल ले लो आप चाहो तो नेचुरल एलोवेरा जेल भी ले सकते हो, बट उसका प्रोसेस बहुत मेसी होता है, और कभी कभी स्कूल कॉलेज जाते हुए भी आप लगाओ तो फिर इतना टाइम नहीं है ना. तो अपने हाथों को थोड़ा साफ कर लो और ये एलोवेरा जेल ले लो. उसके बाद क्या करना है, ईजी, ये कोम में थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके रब कर लो और बस इसे कोम कर लो. ये प्रोसेस को ना आप हफ्ते में 3 या 2 बार जैसे आपको सूट करे उस तरीके से आप कर लो. बहुत ही अच्छा है, मतलब ये तरीका इतना मस्त है ना, कि आपको कोई महंगे प्रोडक्ट्स, कोई भी स्ट्रेटनर, इलेक्ट्रॉनिक सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके बाल ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे. अगर अब जैसे ये हमने लगा लिया, तो कुछ लोग कहेंगे कि हम बालों को वॉश करें ना करें, इट्स अप टू यू. अगर आप वॉश करना चाहते हैं अपने बाल तो करें, वॉश नहीं करना चाहते हैं तो मत करें, बिकॉज हमने रेडीमेड एलोवेरा जेल लिया है. अगर आप जो एकदम प्लांट वाला एलोवेरा जेल होता, उससे आपको वॉश करने की ज़रूरत पड़ती, बिकॉज उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर ऊपर से दिखने लगते हैं. बट ये जो है बिल्कुल एकदम सेट हो जाएगा और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी. अब आप अच्छे से इसे कॉम कर लें नीचे तक, और अगर आप, मैंने तो जैसे मेरी कैपेसिटी के हिसाब से, अगर आपको कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है. और इसे कोम कर लें, इसीलिए मैंने आज बालों को पहले बन बना रखा था, ताकि मैं अपने बालों का टेक्सचर दिखा सकूं आप लोगों को. एंड आपके बाल बिल्कुल अच्छे से फ्रिज फ्री हो जाएंगे. और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये शैम्पू के बाद करना है, आप हफ्ते में अगर आपके बालों में ऑयल नहीं लगा तो, मतलब ऑयल बालों में होता है तो फ्रिज नहीं होते नॉर्मली, तो आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हो. एलोवेरा का जो उसके जो अच्छे गुण हैं वो भी आपके बालों को और स्कैल्प्स को मिलेगा, रूट्स को, स्ट्रैंड्स को, सबको मिलेगा. एंड ये पूरी तरह से केमिकल फ्री होता है. मैं तो पतंजलि का यूज़ करती हूँ, आपको कोई और ब्रांड का करना हो तो कर लेना, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है. कैसे होगी यार, कैसे होगी प्रमोशनल वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से होगी. तो अगर वीडियो पसंद आए, थोड़ी सी भी बात इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड ऑफकोर्स ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और जो लोग इन दिक्कतों से परेशान रहते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लीज़. एंड ऑफकोर्स और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे से जुड़िए इंस्टाग्राम पे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, अब तो सबको याद हो जानी चाहिए यार, खुशी सिन्हा 66202. मेक श्योर आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी जाएं, फॉलो करें. एंड ऑफकोर्स कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन देना, कुछ भी अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी, उसको ज़रूर अडेप्ट भी करूँगी अपनी वीडियोज़ में. एंड हाँ, लास्ट, स्टे विद मी, स्टे विद KP Sinha Vlogs, एंड हाँ, स्टे हेल्दी. सो बाय बाय.